वहाँ से श्वेतांबी नगर में परदेशी राजा ने भी प्रभु की महिमा की। वहाँ से प्रभु सुरभिपुर जाते हुए प्रभु को 5 रथयुक्त नय्यका गोत्र वाले राजाओं ने वंदन किया और वहाँ से प्रभु सुरभिपुर गए। वहाँ गंगा नदी के किनारे सिद्ध यात्रा नाविक लोगों को नाव पर चढ़ा रहा था। प्रभु भी उसी नाव में चढ़ गए। उस वक्त उल्लू का शब्द सुनकर क्षेमिल नामक नैमित्तीय ने कहा कि आज हमें मरणांत कष्ट आएगा, परंतु प्रभु की तरफ इशारा करके इस महापुरुष के प्रभाव से उस संकट का नाश होगा, ऐसा उस नैमित्तक ने सबको बताया। गंगा नदी उतरते समय प्रभु के त्रिपृष्ठ के भव में मारे हुए सिंह के जीव ने सुदृष्ट नामक देव ने नाव को डुबो देने का प्रयत्न किया। देखिए, यहाँ जो सिंह के भव में जो त्रिपृष्ठ के भव में सिंह को मारा था, देखिए ये भव में भी तीनों आए हैं। यहाँ गौतम स्वामी भी मिलेंगे जो वक्त उस वक्त सारथी बने थे, और त्रिपृष्ठ वासुदेव प्रभु का जीव था, और जो सिंह को मारा था वो भी यहाँ देव सुदृष्ट नामक देव बनकर आए, और सिंह को उस वक्त फाड़ के मार दिया था, इसीलिए ये देव ने भी नाव को डुबोने का प्रयत्न किया, क्योंकि उसने देव जान लिया कि ये जो अभी जो ये महावीर का जीव है उसने मुझे दो हाथों से चीर कर मेरा मुँह फाड़ दिया था। बराबर उसका पूर्वभव होगा तो उसको याद आएगा, नहीं तो उसको ऐसे भी उसको देखकर ऐसी व्यथा उत्पन्न होती ही है और वो उसको मरणांत कष्ट देने की कोशिश करते ही करते हैं। तो यहाँ सुदृष्ट देव जो सिंह के जीव था, त्रिपृष्ठ के भव में मारे गए सिंह का जीव था, वो देव बना था सुदृष्ट नाम का, उसने ये नाव को डुबोने का पूरा प्रयत्न किया, और नाव डूबी तो नहीं, वो देव ने तो बहुत कोशिश की नाव को डुबाने की, लेकिन वो डूबा नहीं पाया। कंबल शंबल नाम के नाग कुमार देवों ने आकर उस विघ्न को दूर किया। देखिए, यहाँ एक तरफ वो जो सिंह के जीव था वो सुदृष्ट देव, वो नाव को डुबाने की कोशिश कर रहा है प्रभु सहित नाव डूब जाए, और दूसरी तरफ जो कंबल शंबल देव नागकुमार के दो देव हैं वो आकर प्रभु को वो नाव से नाव को और प्रभु को सबको बचाने की कोशिश करते। तो ये दोनों नागकुमार देवों ने आकर उस विघ्न को दूर किया। अब कंबल शंबल की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों आए, क्योंकि ये सारे कर्म के संबंधी है। जैसे वो सुदृष्ट देव आए डुबाने के लिए, प्रभु को देखकर ही उसको गुस्सा आया और डुबाने आए, क्योंकि त्रिपृष्ठ के भव में भगवान ने वो सिंह को मार के जिंदा ही सिंह को मार के फाड़ दिया था, तो वो दोष उसके मन में इतना कांटे की तरह चुभा हुआ था, तो उसने ये भव में जैसे ही भगवान के जीव को देखा वो सीधा वो नाव को डुबोने के लिए आ गया। अब कंबल शंबल की बात की है, मथुरा नगरी में साधु दासी और जिंदास नाम के पति पत्नी हैं, परम श्रावक हैं दोनों। 5वें व्रत में उन्होंने चौपद पशु सर्वथा नहीं रखने का परित्याग किया था, और एक ग्वालन उसके घर में हमेशा दूध देकर जाती थी। ग्वालन के घर में एक विवाह का प्रसन्न साधु दासी को वो उसकी एवज में वो यथोचित द्रव्य दे देती थी, ग्वालन उसको दूध दे जाती थी और वो उसको द्रव्य देती थी, तो ऐसे दोनों में दोस्ती हो गई, प्रेम हो गया और पक्की सहेलियां बन गई थी, अत्यंत प्रेम भाव दोनों में हो गया था। एक दिन हुआ ये कि ग्वालन के घर में विवाह का प्रसंग आ गया और उसने अपने ये दोनों को भी निमंत्रण दिया कि भाई आप दोनों भी मेरे घर विवाह है, आप आओ। उन्होंने कहा कि भाई हम ब्याह में तो तेरे घर नहीं आ सकते हैं, पर ब्याह में तुझे जो सामग्री चाहिए वो सब तू हमारे घर से जरूर ले जाना। और उसने उनसे मिले हुए चंदरवा वस्त्र आभूषण ये सब उसने ग्वालन को दिया, और ग्वालन के घर का विवाह बहुत अच्छे से उत्कृष्ट हो गया। इससे ग्वाला और ग्वालन ने प्रसन्न होकर अत्यंत मनोहर और सुंदर तथा एक समान उम्र वाले दो वृषभ के बछड़े दिए। देखिए, यहाँ ये साधु और साध्वी और मतलब जो श्रावक श्राविका जो पति पत्नी का परिवार है उसका नाम साधु दासी है, उन लोगों ने 5वां व्रत लिया हुआ था। 5वें व्रत में
पशु को नहीं रखने का निश्चय किया था और उसकी ये सहेली ने उसको दो बछड़े ही गिफ्ट दे दिए, बराबर। अनेक बार इनकार किया लेकिन फिर भी वो दोनों उस जबरदस्ती उसके घर जाकर बांधकर चले गए। अब जिंदास ने सोचा कि अगर मैं इसको वापस दे दूंगा तो खसे करने और मार ढोने से ये लोगों को दोनों को तो दुखी मिलेगा, इससे तो अच्छा है कि मैं उसको प्रासुक तृण और जल आदि से इसका पोषण करूं, बराबर। तो इसने ये विचार से उसके बांधने की जगह में एक पोशाल बना दी और अष्टमी आदि पर्व के दिन जिंदास पोषध लेकर पुस्तक पढ़ता है और ये दोनों बैल भी सुनते हैं। देखिए, समझना बहुत अच्छे से, आप एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आप बैल को मंदिर के पास में या पोषधशाला के पास में बांधो और अगर वो बैल बार बार मंदिर को और ध्वजा को देखते रहते हैं, मंदिर को ध्वजा को देखते रहते हैं, तो अपने आप उनके अशुभ कर्म दूर होते जाए। तो यही कारण है, आप देखोगे कि मंदिर के बाहर बहुत सारे बैल और गाय बंधे हुए होते हैं, लोग उनको घास तो खिलाते हैं, पर एक चीज़ आपको ये भी देखनी पड़ेगी कि उसकी दृष्टि कहीं मंदिर और उसकी ध्वजा के ऊपर जाती होगी ना, तो ये बैल के अपने आप उसके जो अकाम निर्जरा होती है वो चालू ही रहती है। तो ये जीव अपने सारे कर्मों को तोड़ता जाता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ, जिंदा सेठ पोषद कर रहे, पोषद करके वो अपने गौशाला में ही वहाँ जहाँ बैल बांधे वहीं पे ही बैठते हैं और वहीं पर बैठते ही वो पुस्तक पढ़ते रहते हैं, धार्मिक पुस्तक है, गाथा का पाठ है, वो करते रहते हैं और ये दोनों बैल उसको सुनते रहते, उनके कानों में ये शब्द पढ़ते रहते। जिंदा सेठ उनको दो अपने पुत्र की तरह पालन करते, क्योंकि उन्होंने तो ये नियम लिया हुआ है कि किसी भी प्राणी या पशु से मैं काम नहीं कराऊंगा, मैं उनको कोई भी प्रकार की पीड़ा नहीं दूंगा, ना उसको मैं वाहन में जोतूंगा, ना ही मैं उससे खेती कराऊंगा। और अब ये दो बैल आ गए हैं, नियम ही था कि मैं किसी को नहीं रखूंगा, अब ये दो बैल आ गए हैं तो उन्होंने क्या किया, उनको अपने पुत्र की तरह रखा, संभाल के, खाना पीना देके, और खुद ऐसे पाठ करते तो उनके सामने ही करते। हुआ ये कि ऐसे में ये दोनों बैल सारे धार्मिक जो भी पढ़ते थे, जिंदास पढ़ता था, वो सुनते थे और ये दोनों भी भद्रिक बन गए। अब ऐसा हुआ कि वो श्रावक उपवास करके पोशाल में बैठता है, जिस दिन श्रावक उपवास करके पोशाल में बैठता है उस दिन बैल चारा भी नहीं खाते, जिंदास उपवास करते हैं उस दिन दोनों बैल भी उपवास करते, चारा वरा कुछ नहीं खाते हैं और पानी वानी कुछ नहीं पीते। तो इस प्रकार से जिंदास को उन पर अधिक प्रेम हो गया और जिंदास की तरह वो भी सुबह शाम जो भी तपश्चर्या है वो भी करते रहते हैं और पाठ सुनते रहते हैं। एक दिन जिंदास को घर पर नहीं देखकर, जिंदास एक दिन कहीं बाहर गया हुआ था और घर पर नहीं था, तो उसकी आज्ञा के बिना उसके एक मित्र और उसके एक अति बलवान और सुंदर समझकर भांडीर वन यक्ष की यात्रा के लिए गाड़ी में जोतने के लिए वो दोनों बैलों को ले गया। हुआ ये कि जिंदास कहीं बाहर गांव गया हुआ था और घर पे नहीं था, तो एक दिन उसके मित्र को कोई यक्ष की भांडीर वन यक्ष की यात्रा के लिए जाना था और उसको बैल चाहिए था, तो उसके ध्यान में ये जिंदास के बैल आए, क्योंकि ये तो बहुत अलमस्त थे, बहुत ही मजबूत और खा पी के बिल्कुल बढ़िया हुए थे, काम तो किए नहीं कभी, ये दोनों बछड़ों ने बचपन से कोई काम तो किया नहीं था, तो उनको उसके दिमाग में ये आया कि चलो जिंदास तो है नहीं, अब मैं जाकर, मित्र है इसलिए जाकर अपने ही मित्र के दो बैल है उसमें क्या पूछना, ये सोच के वो लेकर चला गया और तुरंत उन दोनों बैलों को गाड़ी में जोड़ने के लिए लेकर गया। अब दोनों बैलों को उसने गाड़ी में जोड़ दिया और जोड़ने के बाद अधिक मार के, क्योंकि बैलों को तो पता ही नहीं, कभी जोड़े ही नहीं, बैलों को गाड़ी में जोड़े तो कैसे गाड़ी खींच के ले जाना है वो भी नहीं मालूम, क्योंकि बछड़े थे तभी से यहाँ रह रहे हैं और कभी भी ना किसी गाड़ी को खींचा ना किसी खेती में खेती की, तो ये मार मार के गाड़ी में जोड़ तो दिए, बांध दिए, अब छूटेंगे कैसे, तो जैसे वो नहीं चलते हैं तो ये मारता है, इधर से लगाम खींचता है, इधर से लगाम खींचता है, बैल कुछ जानते ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं है, और मार मार के और गाड़ी में जोड़ जोड़ के उनको अधमरा कर करके ऐसे हाँके कि ये जो अनहील बछड़ों की सारे शरीर के जो सांधे थे ना वो टूट गए।
भार जोता गया, गाड़ी जोती गई, उसको मार मार के चलाए गए, इन लोगों को कुछ नहीं पता था। और ये करके दोनों यात्रा तो करके आ गया वो, और आते 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 बैर के दोनों पैर वैर उनकी हड्डी वड्डी सब सांधे टूट गए और बैल ऐसे ही दोनों गिर गए। अब ये चुपचाप यात्रा करके इनको जिंदास के घर पर बांधकर चला गया, क्योंकि अब मालूम तो पड़ना नहीं चाहिए अब ये बैल की ये हालत हो गई है, जिंदास पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा। इसलिए वो रात के समय में आया और चुपचाप दोनों को जिंदास के घर पर बांधकर चला गया। जिंदास तो दूसरे दिन आया, तब मालूम पड़ा कि उसके बैल तो दोनों आँखों में से पानी निकल रहे थे, दोनों बैल मरण तोल पड़े हुए थे, जमीन पे पटके हुए थे, उसके पैरों की हड्डी वड्डी सब टूट सांधे सब टूट चुके थे और दोनों के आँखों में से निरंतर पानी बह रहा था। ये उनकी हालत होकर, मरण तुल्य हालत देखकर जिंदास की आँखों में भी पानी आ गया। अब जिंदास को पता चल गया कि ये इनका अंतिम समय आ गया है, अब ये खड़े नहीं हो पाएंगे। तब उसने उन दोनों को सारी जो हमारे जो पुद्गल वोसराने की क्रिया है वो सब उसको वोसरा दिया, पूर्व जन्म के सारे कर्मों को वोसरा दिया, और दोनों को शांति से पाठ सुनाते 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 उनके आहार पानी सबका परित्याग करा दिया और नौकरादि से उन सबकी बराबर से निर्यापना करे। और उस वक्त ऐसे स्थिति में नौकार सुनते सुनते दोनों बैल अपने पुद्गल को वोसराते वोसराते अंतिम समय में उनकी आँखें बंद हो गई, उनके प्राण चले गए। पर जो अंतिम समय उनका जो शुभ भाव में बीता, अध्यवसाय शुभ आए और सारे कर्म का क्षय हो गया, इसलिए ये दोनों यहाँ से मरने के बाद नाग कुमार देव के रूप में उत्पन्न हुए। और दोनों नाग कुमार देव बने, नए ही अभी उत्पन्न हुए थे, अभी अभी वहाँ पर ताजे देव के रूप में पहुँचे हैं और उत्पन्न हुए हैं, और अवधि ज्ञान से उन्होंने अपना पूर्व भव देखा। देखिए एक बात बहुत अच्छे से समझिए, अगर आप भी यहाँ से कहीं देव बने ना, तो आप इतना जरूर समझिएगा कि जैसे ही आप देव बनोगे आप कहाँ थे वो देखोगे। अगर आप यहाँ थे, इरला में थे, रोज़ भक्ति करते थे, रोज़ पूजा करते थे, तो आपको वो मंदिर आकर दर्शन करने का मन होगा ही होगा, होगा ही होगा। और अगर आपको किसी ने मार डाला है, किसी ने जहर दिया है, किसी ने बहुत मारा है, किसी ने आपको दुख तकलीफ़ दी है, तो आप अगर उसका बदला लेने का सोचकर यहाँ से गए हैं, तो आप उसका बदला लेंगे ही लेंगे, क्योंकि देवों को तुरंत वहाँ जहाँ जन्म लेते हैं वो कहाँ से आए हैं वो उन पर उनका ध्यान जरूर जाता है। ये दोनों बैल ने जो देव बन चुके हैं उन्होंने अवधि ज्ञान से देखा कि वो कहाँ थे, और जब उन्होंने देखा तब उनको ये पूरा वृतांत उन्होंने जान लिया। और अवधि ज्ञान से पूर्वोक्त वृतांत जानकर एक ने नाव का रक्षण किया और दूसरे तो जैसे ही उन देवों ने ये स्थिति को देखी तो अवधि ज्ञान से पूर्वोक्त वृतांत भी उन्होंने जाना, और वो तुरंत आकर एक ने नाव का रक्षण किया और दूसरे ने सुदृष्ट देव को वहाँ से भगाना और उसका निवारण किया। फिर प्रभु के गुणगान करते हुए, नाचते हुए, महोत्सव पूर्वक सुगंध जल वृष्टि एवं पुष्प वृष्टि करते हुए वो दोनों देव अपने अपने स्थान पर चले गए। आइए अब दूसरा चातुर्मास की बात है। दूसरे चातुर्मास भगवान ने राजगुरु नगर में नालंदा नाम के मोहल्ले में एक जुलाहे की शाला में एक भाग में उसकी आज्ञा लेकर प्रथम मास खमण तप करके किया। ये दूसरा चातुर्मास है भगवान का। वो राजगुरु नगर में आए हैं, एक नालंदा नाम के मोहल्ले में रुके हैं, जुलाहे की शाला में वो उसकी अनुमति लेकर उतरे हैं और वहाँ उन्होंने सबसे पहला महीने मास खमण का तप करके किया। अब वहाँ पर मंखली नामक मंख यानी कि जो चित्रकला आदि बनाकर भिक्षाचर करने वाले विशेष भिक्षाचर मांग कर रहने वाले एक सुभद्रा नाम की स्त्री और उसकी कुक्षी से उत्पन्न हुए बहुल नाम के ब्राह्मण की गौशाला में पैदा होने से गौशालक नामधारी मंख किशोर प्रभु के पास आया। देखिए अब यहाँ प्रभु चातुर्मास के लिए रुके हैं, तो वहाँ मंखली जो है उनका पुत्र, मंखली पुत्र बराबर, और सुभद्रा उसकी माता है,
उसका पुत्र है गोशालक, क्योंकि वो गोशाले में उत्पन्न हुआ है इसलिए उसका नाम यहाँ गोशालक रखा है। वो युवान अवस्था में है और वो भगवान के पास आया। किशोर मंख किशोर है, मतलब वो किशोर अवस्था में है अभी, और वो प्रभु के पास आया। वहाँ पर प्रभु को मांस क्षमण के पारणे में विजय नाम के सेठ ने कूर आदि विपुल भोजन विधि से वोहराया। अब ये मंखली मंख कुमार है, वो साथ में चल रहा है भगवान के, वो भगवान वहीं पे चातुर्मास कर रहे हैं तो वो उनके उनके आगे पीछे घूमता है। और वहाँ विजय नाम के सेठ के यहाँ भगवान ने मांसक्रमण का पारणा किया। तो जैसे ही परमात्मा जब भी पारणा करेंगे पंच दिव्य प्रकट होंगे ही होंगे, तो विजय के यहाँ पांच दिव्य प्रकट हुए। और ये देखकर गोशालक ने भगवान से पूछा कि मैं आपका शिष्य हूँ बराबर, तो मैं आपके साथ ही रहूँगा, क्योंकि उसने वो पंच दिव्य देखे और पंच दिव्य देखकर वो बहुत ही प्रभावित हो गया और उसने सोचा कि अगर इसके साथ रहूँगा तो ये 12 करोड़ सोनिया मिलेगा बराबर। तो ये सब सोच के वो भगवान के साथ रहा और कह रहा है कि मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपसे ये सारी विधि सीखूंगा कि किस प्रकार से ये सारे सोने या पंच दिव्य कैसे आए। तो ये जानने के लिए ये भगवान के साथ रहता है, शिष्य बनकर रह रहा है। दूसरे पाने में नंद सेठ के पकान आदि से, नंद सेठ के यहाँ पके हुए अन्न से प्रभु ने पारणा किया। और तीसरा पारणा भी सुनंदा सेठ के यहाँ परमान्न यानी खीर आदि से पारणा किया। अब चौथे पारणे के लिए प्रभु कोलाक सन्निवेश में पधारे और यहाँ बहुल नामक ब्राह्मण ने प्रभु को खीर से पारणा कराया और सब जगह ये चारों पारणे में पंच दिव्य प्रकट हुए। अब गोशाला प्रभु को उस जुलाहे की शाला में ना देखकर सारे राजग्रह नगर में उसको ढूंढता फिरता है। देखिए भगवान वहाँ थे तब तक तो गोशाले ने सब देखा, अब भगवान थोड़े दूर चले गए हैं, चौथे पारणा प्रभु ने कोलाक सन्निवेश में जाकर किया, अब गोशाला ढूंढ रहा है कि ये कहाँ चले गए कहाँ चले गए। कहीं पर भी भगवान मिले नहीं तो ब्राह्मणों को उपकरण दे देकर मुख और मस्तिष्क मुंडवा कर भगवान से कोलाग सन्निवेश में जाकर मिल गया। देखिए अब इसको तो भगवान को ढूंढना है क्योंकि पंच दिव्य से वो बहुत प्रभावित हो गया और इनका ही शिष्य बनकर घूमना है। भगवान तो रातों रात वहाँ से विहार कर गए, कहाँ है नहीं पता। जब कहीं पे उसको ये मालूम पड़ा कि यहीं पे पंच दिव्य प्रकट हुआ, वो समझ गए कि ये पंच दिव्य जैसे प्रकट हुए ना भगवान जरूर वहीं पे होंगे, तो वहाँ पर पहुँच गया और अपने भी मस्तिष्क उसने मूंड लिया और वहाँ जाकर भगवान के पास जाकर वो मिल गया और बोला कि अब से मुझे आपकी दीक्षा हो, यानी कि मैं आज से अब आपका शिष्य बन चुका हूँ। ऐसा कहकर वो भगवान के साथ ही रहने लगा है। भगवान मौन है, ना कुछ कह रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं। प्रभु भी उस शिष्य के साथ सुवर्णखील गांव की ओर चल पड़े। भगवान सुवर्णखील गांव की ओर चल पड़े, वो भी पीछे पीछे भगवान के वहाँ चल पड़ा है। मार्ग में ग्वाले एक बड़ी हांडी में खीर पका रहे थे। जब भगवान वहाँ जा रहे थे तो बड़ी हांडी में मार्ग में कुछ ग्वाले खीर पका रहे थे और ये देखकर गोशाला प्रभु से बोला कि अब यहाँ ही भोजन करके चलेंगे। सिद्धार्थ ने कहा, देव सिद्धार्थ ने कहा कि इनकी हांडियाँ फूट जाएगी। गोशाले ने उनसे कह दिया, अतः अब गोशाले ने उनको भी कह दिया। देखिए यहाँ सिद्धार्थ देव है, वो जानते हैं, देव है वो, व्यंतर देव। उसने कहा कि इनकी हांडियाँ फूट जाएगी, तो गोशाले ने जाकर वो लोग को जाकर बोल दिया कि आप हांडी में खीर तो बना रहे लेकिन अब आपकी हांडियाँ फूट जाएगी। हुआ भी वही, उनकी हांडियाँ फूट गई। अब हांडियाँ फूट गई, गोशाले ने उनसे कहा था, इससे गोशाले का मत निश्चय, गोशाले ने ये मत निश्चय कर लिया कि होनहार होती ही है, मतलब ये निमित्त था और ये होगा ही होगा, जो चीज़ होती है वो होती ही है। इस प्रकार का निमित्त गोशाले ने अपने दिमाग में सोचकर बांध दिया। यहाँ गोशाला हर एक 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 निमित्त को पकड़ता जाएगा और उस निमित्त पे अपने आप को मजबूत और मक्कम करता जाएगा। देखिए ध्यान की बात ये है कि भगवान के साथ वो घूम रहे, भगवान मौन है, भगवान कोई धर्म नहीं सुना रहे, इसलिए जो घटना हो रही है वो सारी घटनाओं को गोशाला एक निमित्त समझ के कुछ मान्यताएं अपने दिमाग में भरता जा रहा है। यहां से दोनों आगे चले हैं।
वहां से प्रभु ब्राह्मण ग्राम नगर में गए। वहां नंद और उपनंद इन दोनों भाइयों के नाम से दो मोहल्ले थे, नंद मोहल्ला और उपनंद मोहल्ला। प्रभु नंद के मोहल्ले में प्रवेश करके चले गए। प्रभु को नंद ने वोहराया, गौशाला उपनंद के महल में चला गया और वहाँ उपनंद ने वासी अन्न खिलाया। देखिए, नंद के यहाँ गया है तो भगवान को उसने अन्न खिलाया और वहाँ पंचदिव्य भी प्रकट हुए, और ये उपनंद के मोहल्ले में चला गया, उपनंद ने उसको वासी खाना खिलाया। इससे क्रोधित होकर गौशाला ने श्राप दे दिया कि यदि मेरे धर्माचार्य का तप तेज हो तो इसका घर जल जाए। अब देखिए उसने कैसा श्राप दिया कि अगर मेरे धर्माचार्य में के तप में तेज हो तो तुम्हारा घर जल जाए। अब भगवान के धर्म तेज में तो तप है ही, तो वो तप के कारण उसका घर जलना है। प्रभु की महिमा दिखाने के लिए वहां जो समीपवर्ती देव थे उन्होंने उसका घर भी जला दिया। समझ में आ रहा है? प्रभु के तप के तेज की बात कर ली उसने, अब प्रभु के तप के तेज को तो बरकरार रखना ही है। वो सिद्धार्थ देव जैसे तो बहुत सारे देव उनके आसपास रहते हैं, चलते थे, तो उन्होंने उसका घर जला दिया। तो ये घटना हो गई। अब उसके बाद का तीसरा चौमासा, ये सारा दूसरे चौमासे में हुआ है भगवान के साथ। अब तीसरे चौमासे की बात है, यहाँ से प्रभु चंपा नगरी में पधारे हैं। वहाँ द्वीन मास खमण करके तीसरा चातुर्मास प्रभु रहे। अंतिम द्विमास का पारणा चंपा के बाहर करके कोलाग सन्निवेश में प्रभु गए और वहाँ एक शून्य घर में ध्यानस्थ रहे। गौशाले ने भी उसी घर में रहकर सिंह नाम के एक ग्रामणी पुत्र को विधुनमती नामक दासी के साथ क्रीड़ा करते देखकर उसकी मश्करी की। देखिए यहाँ हो क्या रहा है, जहाँ पर वो जिस घर में उतरे हैं वहाँ पर सिंह नाम का एक ग्रामणी पुत्र था, वो घर पे वो कोई विधुनमती दासी को लेकर वहाँ आया और दोनों क्रीड़ा कर रहे थे, तो ये देखकर गौशाला ने मश्करी उड़ाई। तो वो उसने वो जो सिंह ग्रामणी पुत्र था उसने गौशाले को बहुत पीटा मारा। फिर वो प्रभु से कहने लगा कि आपने मुझे पीटते हुए क्यों नहीं छुड़ाया। अब गौशाला भगवान को बोल रहा है कि मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे को पीटते हुए कैसे देख रहे हैं, आपने मेरे को क्यों नहीं छुड़ाया। सिद्धार्थ ने कहा तू फिर ऐसा मत करना, नहीं तो फिर प्रभु कुछ नहीं करेंगे, तू ऐसी गलती मत करना, बराबर, प्रभु तेरे को नहीं छुड़ाने आएंगे। फिर प्रभु पातालक की नगर की तरफ गए, वहाँ भी ऐसा हुआ कि एक शून्य घर में वो रहे। वहाँ भी गौशालक ने स्कंदक को अपनी दासी स्कंदिला के साथ क्रीड़ा करते हुए मश्करी की। वहाँ जो एक स्कंदक था वो भी अपनी दासी के साथ क्रीड़ा कर रहा था, ऐसे तो गांव में होता रहता है, और गौशाले को भी मश्करी सूझती है, तो उसने भी उसको दोनों को क्रीड़ा करते देखते हुए मश्करी की और फिर वहीं पर भी उसने स्कंदक के हाथों मार खाई। फिर प्रभु कुमारक सन्निवेश में जाकर चंपा रमणीय नाम के उद्यान में ध्यानस्थ रहे। वहाँ भी पार्श्वनाथ प्रभु के शिष्य, देखिए पार्श्वनाथ प्रभु के शिष्य भगवान को यहाँ पर मिले हैं। उनके शिष्य मुनि चंद्र मुनि बहुत से शिष्य परिवार सहित एक कुमार की शाला में रहे हुए थे। अब यहाँ प्रभु को अभी तक केवल ज्ञान नहीं हुआ है और यहीं पे प्रभु को पार्श्वनाथ भगवान के शिष्य मुनि चंद्र स्वामी और उनके बहुत सारे शिष्य मिले हैं। उनके साधु को देखकर गौशाले ने पूछा कि तुम कौन हो। उन्होंने कहा कि हम निर्ग्रंथ है। गौशाला बोला कि कहाँ हमारा धर्माचार्य और कहाँ तुम निर्ग्रंथ, देखो मेरे गुरु कहाँ है और आप लोग कैसे हो, कुछ नहीं हो उनके सामने। उन्होंने कहा जैसा तू है वैसा ही तेरा धर्माचार्य होगा। अब जैसे गौशाला ऐसे बिल्कुल निर्लज होकर बात करेगा तो वो गुरुओं ने भी उसके शिष्यों ने कह दिया कि जैसा तू निर्लज है वैसे ही तेरा धर्माचार्य होगा। उनको तो पता नहीं था कि ये भगवान है। गौशाला गुस्सा होकर बोला कि मेरे धर्माचार्य के तप तेज के कारण तुम्हारा आश्रम जल जाए। देखो हर बार गौशाला क्या कर रहा है, उसका तो तेज है नहीं पर वो ऐसा शब्द बोल देता है कि परमात्मा के तेज के सामने वो आश्रम को जलना ही है। समझ में आ रहा है? ये वो कहीं और उला ना दे रहा है, आश्रम वो जलाना चाहता है, अपने तेज से वो कर नहीं पाएगा, इसलिए वो कह रहा है कि अगर मेरे धर्माचार्य में तप तेज हो तो तेरा घर जल जाए।
मेरे धर्माचार्य में तप तेज हो तो तेरा आश्रम जल जाए। अब देवों को तो ये काम करना ही करना है, क्योंकि भगवान के धर्माचार्य में तो तप तेज है ही। और वो बोले हमें इस बात का, लेकिन वो मुनि ने बताया कि हमको इस बात का डर नहीं है। फिर उसने प्रभु के पास जाकर सारा वृतांत सुना। सिद्धार्थ ने कहा कि मुनियों का आश्रम नहीं जला करता। रात्रि को जिन कल्प की तुलना करते काउसक में रहे उस मुनि चंद्र को कुमार ने चोर की बुद्धि से मार डाला। देखो अब किया क्या, देखो यहाँ अब ये मुनि चंद्र जो जिन कल्प की तुलना करते हुए काउसक में रहे उस मुनि चंद्र जो पार्श्वनाथ भगवान के जो साधु थे उसको कुमार ने चोर की बुद्धि से मार डाला। मुनि चंद्र अवधि ज्ञान प्राप्त करके मृत्यु प्राप्त पाकर स्वर्ग में गए, मतलब वो देव के रूप में जन्म हो गया उनका, और उन्होंने अवधि ज्ञान से देख लिया तो उनकी महिमा के लिए देवों ने वहाँ प्रकाश किया। तब गौशाला बोला कि देखो ये अब इनका उपाश्रय जल रहा है, देखो प्रकाश प्रकाश हो गया, देवों ने आकर महिमा किया वहाँ पे। इसलिए गौशाला ने बोला कि देखो ये उपाश्रय जल रहा है। सिद्धार्थ ने फिर से उसको सच बात बताई कि वहाँ तो ऐसा सब कुछ हुआ है, और उनके शिष्यों को वो धमका कर अगर जब फिर से सिद्धार्थ ने सत्य घटना सुनाई तो ये वापस मुनिचंद्र के जो शिष्य थे उनको भी धमका कर गौशाला आ गया। प्रभु फिर चोरों की और गए, वहाँ पर प्रभु और गौशाला को जासूस समझकर पकड़ लिया गया है। देखिए भगवान उस तरफ गए जहाँ चोर थे, अब चोरों ने भगवान और गौशाले को दोनों को पकड़ लिया है, जासूस समझ के पकड़ लिया है। प्रथम गौशाला को अभी हवालात में डाला ही था कि इतने में वहाँ पर उत्पल नाम के नैमितक का सोमा और जयंती नाम की दो बहनें आ गई, और जो संयम लेकर पालने में असमर्थ ऐसी दो परिव्राजिका बन गई थी। वहाँ दो बहनें आई जो संयम लिया था पर वो नहीं पाल सकी, इसलिए वो परिव्राजिका बन गई, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान के साधु तो थे ही, उन्होंने प्रभु को पहचान लिया और उस संकट से बचाया। वहाँ से प्रभु पृष्ठ चंपा नगर की तरफ गए। देखिए भगवान के साथ डगले पगले क्या हुआ है पूरी विगत यहाँ बताई हुई है। हम तो इतना ही जानते थे 12.5 वर्ष की उनकी साधना, पर 12.5 वर्ष में हरेक चौमासे में क्या हुआ है, कल्पसूत्र में उनके प्रत्येक चौमासे का वर्णन। चौथा चौमासा, ये तीसरे चौमासे में ये सब पृष्ठ चंपा नगर में वो जो घटना हुई वो हुई। अब चौथा चौमासा भगवान ने 4 मास श्रमण तप करके पृष्ठ चंपा में किया। परमात्मा ने सभी जो चौमासा किया है उसमें मास श्रमण ही किया है। अब आप ये समझ लीजिएगा कि प्रत्येक चौमासे में मास श्रमण करना, इसीलिए उनके मास श्रमण, उनके पारणे की संख्या बहुत कम, सिर्फ 349 पारणा ही उनका आहार हुआ है 12.5 वर्षों में, बराबर। इस क्यों क्यों, क्योंकि उन्होंने मास श्रमण के पारणे में ही मास श्रमण किया हुआ है। 5 मास के भी किए, 6 महीने के भी किए, उन्होंने बहुत सारे तप किए। प्रभु को पारणा कराने के लिए जीरण सेठ, अब यहाँ जीरण सेठ और पूरण सेठ की बात हुई। जीरण सेठ भावना भा रहा है चौथा चौमासा और भगवान का मास खमण का पारणा है, पर जीरण सेठ भावना भाता रहा कि प्रभु आएंगे पारणे के लिए, प्रभु अभी मेरे घर आएंगे, मेरे घर आएंगे, वो उत्कृष्ट भावना भा रहे थे। पर पारणा हुआ पूरण सेठ के यहाँ, पूरण सेठ के यहाँ भगवान ने पारणा किया। पूरण सेठ के यहाँ कुछ प्रसंग है घर में, इसीलिए कोई प्रभु की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, और वहाँ पारणा हो गया। और जीरण सेठ की शुभ भावना के कारण चाहे पारणा नहीं हुआ, लेकिन वो उन्होंने देवायुष्य बांधा। चौमासा बीतने पर प्रभु कायंगल सन्निवेश में जाकर श्रावस्थी नगरी में पधारे, और वहाँ बाहर के भाग में कायोत्सर्ग ध्यान में रहे। वहाँ सिद्धार्थ ने गौशाला से कहा कि आज तू मनुष्य के मांस का भक्षण करेगा। गौशाला भी उसका निवारण करने को भिक्षा के लिए बनियों के घर में गया। वहाँ एक पितृदत्त नाम का वणिक रहता था, उसकी स्त्री सदैव मृतक बच्चे को ही जन्म देती थी। उस शिवदत्त नाम के निमित्त तक ने बच्चे जीने के उपाय में ये बताया कि तुम्हारे मृतक बालक का मांस खीर में मिला के किसी भिक्षुक को तुम खिला देना।
और उसने इस विधि पूर्वक गोशाला को खिला दिया। देखियो भगवान तो उपवास कर रहे हैं, उनके हिस्से में नहीं आए। सिद्धार्थ ने बोला था कि तू मांस भक्षण करेगा, लेकिन गोशालक भी इसका निवारण करने के लिए बनिए के घर में गया कि भाई मैं बनिए के घर में जाऊंगा, वहां मुझे थोड़ी मांस मिलेगा। देखिए देखने की बात क्या है, अब बनिए के घर में बच्चे मर रहे थे, उसको किसी ने बताया कि तू किसी ब्राह्मण को तू मांस वाला तेरा मरे हुए बच्चे का मांस खिला देना खीर में मिला के, तो तेरे बच्चे जिएंगे। तो उसने उसी दिन वो बच्चा मर गया था, तो उसी दिन वो कार्य किया और इस प्रकार से मरा हुआ बच्चे का मांस गोशाले ने खा लिया। बराबर, तो घर जला देने के डर से घर का दरवाजा भी अब उसने बदल दिया। गोशाला जब बनिए के घर भोजन करके प्रभु के पास आया, तब सिद्धार्थ ने सारा वृतांत बताया और सुनाया कि भाई तुझे तू ऐसा सोच रहा है, तूने खीर का भोजन किया है? नहीं, तूने मांस का ही भोजन किया। विश्वास करने के लिए उसने वमन किया और सही मालूम होने से क्रोधित होकर वो घर जलाने के लिए निकल पड़ा है। देखिए वो हर बार एक ही बात बोलता है, आपको पता है घर ना मिलने, अब घर मिला नहीं क्योंकि वो जो बनिया था उसने तो घर का दरवाजा और ये सब बदल दिया था। प्रभु के नाम से उसने पूरा मोहल्ला जला दिया। देखिए गोशाला क्या कर रहा है, प्रभु का ही नाम से उलाना देता है कि मेरे धर्माचार्य के तप तेज में शक्ति हो तो तेरा घर जल जाए। अब घर मिला नहीं तो उसने पूरा मोहल्ला जला दिया, अगर मेरे धर्माचार्य के तप तेज में शक्ति हो तो ये मोहल्ला ही जल जाए, और मोहल्ला जल गया। फिर वहां से प्रभु हरिद्र सन्निवेश से बाहर हरिद्र वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में रहे। देखिए यहाँ एक बात हमको समझनी है कि हमारे साथ अगर ऐसा दूरमति व्यक्ति होगा ना, तो वो हमारे ही आधार को पकड़कर, हमारी ही पुण्य को पकड़कर वो अब ऐसे इस प्रकार से अशुभ कार्य करता ही रहेगा। यही कारण है कि सज्जन व्यक्ति को कभी भी दुर्जन व्यक्ति के साथ कभी नहीं रहना चाहिए। समझ में आ रहा है कि सज्जन का उलाना लेकर किस प्रकार से आप वो जो दुर्जन है वो अधर्म करता है, कैसे उलाना ले लेकर गोशाला भगवान के तप तेज का उपयोग कर रहा है। समझ में आ रहा है, आपको भी ये चीज को सीखना चाहिए कि दुर्जन व्यक्ति आपका उलाहना लेकर कोई भी अशुभ कार्य करके किसी को चोट ना पहुंचाए, उससे आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि ऐसा हो सकता है और ऐसा होता ही है। बराबर, भगवान के आसपास तो देव घूमते ही थे और भगवान के धर्माचार्य धर्म के तेज के ऊपर आंच कैसे आ सकती, उन्होंने देव तो ये काम कर देंगे कि भाई इसने तो भगवान के तप तेज की सौगंध खाई है, इसका काम तो करना ही है।